नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, घास पात की श्रेणी में आज फिर एक घास लेके मैं आ रहा हूं और उस घास के जड़ और पत्ते आपके लिए कितने उपयोगी है ये खास करके आपको ये पता चलेगा। यह आज का जो घास है या जो हर्बल है उसको कहते हैं बोखरू भी कहते हैं उसको, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैंड कैक्टस और लैटिन में ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस। अब ये जो होता है, देख रहे हैं कि जमीन पर 2 से 3 फीट का ये पौधा या घास जिसमें फल और कांटेदार ये फल और पुष्प होते हैं कांटेदार, और इसको गोछुड़ कहते हैं क्योंकि जंगलों में यह होता है और हमारे गाय जो जंगलों में चरने जाती है उसके पांव में जो गड़ जाता है, उसके पैर के खुर में जो गड़ जाता है, इसीलिए गोछुड़ कहते हैं या गोखुड़ू कहते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध है लेकिन हर जगह लोग इसे पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, इसीलिए दिक्कत में होती है। इसके संबंध में इसके गुणों की चर्चा करें तो हमारे बहुत सारे विद्वानों ने, जो चरक और सुश्रुत जैसे लोगों ने, चरक ने कहा कि अब मूत्र रोगों की रामबाण दवा हो सकती है। मूत्र संस्थान में अगर कोई भी समस्या हो तो उसमें ये काफी उपयोगी हो सकता है, ये चरक संहिता में। और सुश्रुत ने कहा कि ये पथरी को भी तोड़ के मूत्र मार्ग से निकाल देगा। पथरी में इसमें प्रयोग करें तो पथरी को ये तोड़ करके पेशाब के रास्ते से बाहर कर देता। श्री भाव एक बहुत बड़े पौराणिक वो समय के वो विद्वान हुए आयुर्वेद के, वो इसको मूत्र शोधक तो बताते ही है, कहते हैं यह पेट के सभी रोगों के लिए लाभदायक है, यह यौन रोगों के लिए भी लाभदायक है, खास करके सुजाक और अन्य इस तरह के रोग में, महिलाओं के लिए गर्भाशय को शुद्ध करता है और उनके बांझपन को भी समाप्त करता है, यानी प्रजनन अंगों के लिए यह शोधक है और बलवर्धक है, उसकी शक्ति को बढ़ाता। श्री नादकर्णी ने अपने मटेरिया मेडिका में इसे मूत्रल शोथ निवारक बताया और उसका कारण बताया कि इसमें नाइट्रेट होता है और एक उत्पत्त तेल होती है, जो तेल होता है जो मूत्र संस्थान के झिल्लियों पर अपना प्रभाव दिखाता। यूरोप और ग्रीस में भी इसकी चर्चा बहुत हुई। वेल्थ ऑफ इंडिया पुस्तक में इसकी चर्चा है और बताया गया है कि यह मूत्रल है और ये पथरी रोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। ये ब्राइट्स डिजीज जो एक एलर्जिक संक्रमण होता है उस पर भी प्रभाव डालता है, और मूत्र नली संस्थान जो होता है उसके कैपेसिटी को बढ़ाता है, सामर्थ्य को बढ़ाता है। कर्नल चोपड़ा ने भी इसी बात का समर्थन किया, और आपके एक होम्योपैथिक के डॉक्टर जो आर एन खोड़ी साहब, उन्होंने मेटेरिया मेडिका ऑफ इंडिया में लिखा यही बात कि ये मूत्रल है, यौन रोग निवारक है। और बोरिक, आपको पता होगा कि हेनीमेन के बाद एक बोरिक साहब हुए जो होम्योपैथी के बहुत बड़े विद्वान हुए, और बोरिक का जो मेटेरिया मेडिका है ऊपर बहुत ही स्तरीय माना जाता है, और उसमें उन्होंने बताया कि मूत्र अवरोध, वीर्यपात, प्रोस्टेट ग्रंथियों में सूजन और यौन रोगों के लिए जो इसका ये क्या करते हैं, इसके मदर टिंचर यानी जीरो कैपेसिटी की दवा 10 से 20 बूंद दिन में 3 बार देने से इन सारे रोगों में लाभ होता है। और एक और बच गया यूनानी में इसे खारे खसक खुर्द कहते हैं या खारे सहबोला कहते हैं। इसको गर्म और खुश्क बताया गया है। यह गॉल ब्लैडर, गुर्दे की पथरी, मूत्रावरोध और क्या करता है कि ये पथरी को तोड़कर बाहर निकाल देता है। इसके अलावा ये सुजाक में और दूसरे रोगों में भी को ये खास करके जो यौन अंग है उसको शुद्ध करता है
और ये काफी उसमें लाभ करता है। और इस तरह से सारे पद्धतियों में इसके महत्व को स्वीकारा गया। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पर अगर हम ध्यान दें, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन सी। देखिए डॉली में हर्बन नाम का एक एल्कलाइड तथा बीज में हर्मित नाम का एल्कलाइड होता, पौधों में एक सेपोनिन होता है, पत्तियों और जड़ों में डायसोजेनिन, रेप्केजेनिन और गिटोजेनिन, ये तीनों जो होता है वही सेपोनिन जो पौधा में होता है उसी से प्राप्त होता। ग्लाइकोसाइड में कैम्पफेरॉल, एस्टिनोसाइड और ये क्या होता है रिक्नोसाइड पाया जाता है। इसके अलावा एक अवाष्पशील तेल होता है, रेजिन नाइट्रेट तो होता ही है, पेरोक्साइड, सरकरा, टेनिन, और इसके बीज में जो फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। और ये सब सारे जो तत्व है वो हमें लाभ करते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा एक एंटीसेप्टिक नामक भी एक जर्नल निकलता था, में कई शोध आलेख इस विषय में आए और उन रिसर्च के आधार पर यह मूत्र विकार, गुर्दे की पथरी में चमत्कारी लाभ करता। अब इसके फल का अगर हम चूर्ण का उपयोग करें तो 4 से 6 ग्राम 2 से 3 बार प्रतिदिन, पंचांग का अगर प्रयोग करें तो हम 50 से उसको क्वाथ बना के काढ़ा बना के लेंगे 50 से 100 ml। अब यह लाभ करता है तो सबसे पहले हमने बताया कि पथरी में, तो पथरी में आप गोखड़ू में शहद मिलाइए और उसका प्रयोग कीजिए उसके चूर्ण को लेके। सुश्रुत ने कहा कि 7 दिन तक अगर गोखड़ू को गोदुग्ध के साथ पंचांग, उसका पंचांग के काढ़ा का प्रयोग करिए तो पथरी, मूत्र में खून आना इत्यादि सब दूर हो जाता है। इसके लिए आप दूध और मिश्री के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं अगर मूत्र में खून आ रहा है। अब देखिए सुजा या और भी जो उस तरह के बीमारी जो होती है वो यौन रोग, आप पानी में भिगोइए, छान कर आप 1-1 चम्मच 3 बार पी जाइए, उसको मथ दीजिए और मथने के बाद उसका थोड़ा सा उसका सारा ये निकल आएगा। परमेह और शुक्रमेह में इसको मिश्री के साथ इसके चूर्ण को प्रयोग किया जा सकता है। देखिए आपका मूत्र रोध हो, प्रोस्टेट हो, नपुंसकता हो, मूत्राशय में सूजन हो, या स्त्रियों के संबंध में जन वो क्या कहते हैं उनके जननांगों का कोई रोग हो तो आप गोखड़ू को लीजिए 10 ग्राम, पानी ले लीजिए आपका 250 ml और दूध को ले लीजिए 250 ml, उसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा जब गर्म कीजिए तो देखिए ऐसा हो कि 250 ml मतलब आधा लीटर आपको डाले हैं तो वो अगर गर्म होकर आधा हो जाए यानी 250 ग्राम हो जाए तो उसका आप प्रयोग कीजिए, ये मूत्र रोध, प्रोस्टेट, नपुंसकता सब आदि दूर हो जाएगी। गोखड़ और गोखड़ू पर काफी प्रयोग आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या जामनगर यूनिवर्सिटी में उसके जो आयुर्वेदिक आयुर्वेद शाला है वहां के जो विद्वान है उसने काफी प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि चूर्ण जो है वो प्रोस्टेट के कारण जो मूत्र मार्ग में अवरोध होता है और स्थान विशेष में रक्त का जो संचय हो जाता है उसको रोकता, तथा युगेथ्रा के जो उसका जो द्वार होता है उसको उत्तेजित करता है और मूत्र को बाहर निकालने में काफी मदद करता है, और ऑपरेशन जो कराना पड़ता है ये ऑपरेशन से बचाता है आपको। वैज्ञानिकों ने माना कि आप इसके जो योग हमने पहले बताया आप योग नहीं भी ले सकते, आप अकेले गोछू ना गोखड़ू का प्रयोग कीजिए तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आपके नाड़ी दुर्बल है, आपके नाड़ी में दुर्बलता शिथिलता आ गई है तो आप गोखड़ू का प्रयोग कर सकते हैं। बात विकार आपके यहाँ है, आपके नसों में साइटिका, गठिया, ये सभी सब में प्रयोग कर सकते हैं। बवासीर में भी लाभ करता है, खांसी और श्वास रोग में भी करता है, और ये एक बहुत बड़ा टॉनिक है भाई जी, और ये शरीर की दुर्बलता को भी नष्ट करता है। एक जो विभिन्न कंपनियों के द्वारा 10 मूल अरिष्ट जो आता है उसका भी एक प्रमुख घटक है गोखड़ू। इसके अलावा नपुंसकता का निवारण और बार बार जो महिलाओं में गर्भपात
का खतरा होता है उससे भी बचाता है। तो इतना जबरदस्त, इतने सारे काफी इतने तरह के जो गोछुड़ है गोखड़ू है उसका जो हमारे यहां जंगलों में यूं बिखरा पड़ा मिलता है, या अगर आप जंगल तक नहीं जाना चाहते हैं तो ये गोखड़ू बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपके पंसारी के दुकान में उपलब्ध है, वहां से लीजिए, इसका प्रयोग कीजिए और आप ऑपरेशन के प्रोस्टेट का ऑपरेशन और कम से कम किडनी का ऑपरेशन, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, इस सब से तो आप बच ही सकते हैं अगर इसका सही ढंग से प्रयोग करें तो। तो इतना गुणकारी दवा से आपका मैं परिचय कराया, आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, और अभी तक न किए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, उसके बाद आप इसके कमेंट बॉक्स में जाइए, लाभ हो नुकसान हो या और भी कोई जानकारी लेनी है तो उसको बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच अंकित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।